वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. में अर्थक्वेक आ गई, 3,700 से ज्यादा जाने गई हैं, ज्यादातर तुर्की में, सीरिया में थोड़ी सी कम, लेकिन सीरिया वॉज एनी वे वॉर डेवस्टेटेड कंट्री, वहाँ पे वैसी जंग की वजह से बहुत पहले ही अफरा तफरी थी, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। इन एरियाज में विंटर्स हैं, पीक विंटर्स, कहीं कहीं बर्फ भी गिर रही है, तो कई सारे लोग जो हैं मलबे के नीचे दबे हुए हैं, एंड देर इज़ नो वे टू रीच आउट टू देम, क्योंकि इसमें तुर्की भी बेचारा क्या कर लेगा, वॉट कैन टर्की डू, क्योंकि जब ऐसी अर्थक्वेक आती है वॉट कैन एनीबडी डू, पूरी बिल्डिंग, पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक्स नीचे गिर गए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है टर्की में, और ठंड की वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। तो मोदी जी ने अनाउंस करा है कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है हमारी, वो तैयार कर रही है दवाइयाँ, डॉक्टर्स, ये सब, एंड एज वी स्पीक दे आर लीविंग फॉर टर्की, एंड काफ़ी देशों ने प्रॉमिस करा है रिलीफ और जा भी रहा है, और भारत का जाहिर सी बात है कि हमारा थोड़ा सा रिस्पांस बाकी मुल्कों से, जब तक मुल्क मीटिंग कर रहे होते हैं, जब तक मुल्क सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, जब तक मुल्क डिसाइड कर पाते हैं कि क्या करना है, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो हैं ऑलरेडी हवा में होते हैं, जब तक खबर पहुँचती है ना लोगों के पास, दिस आई हैव सीन, जब कोविड के समय यू नो लोगों को निकालना था, जो मिशन हुए थे लोगों को निकालने के, या फिर जो यूक्रेन की लड़ाई में हमने देखा था किस तरीके से निकाला, तो रातों रात यहाँ पे तो घंटों के हिसाब से यमन में भी हुआ था डिप्लॉय करके, तो वो इंडियन प्लेन्स इन द एयर, और वहाँ पे जाके जो भी रिलीफ कर रहा है, बाकी लोग भी आ रहे हैं, हम लोग भी वहाँ पे आ रहे हैं, तो सीरिया में भी और तुर्की में भी हमारी हेल्प होगी। बीच में मैं एक आपको चीज़ पढ़ना चाहता हूँ ना, इसमें भी मैं पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं देखता हूँ यार कि कैसी हरकतें हैं इन लोगों की। यार अभी देखो शहबाज शरीफ का ट्वीट देखिएगा, ठीक है, ये ट्वीट देखिए शहबाज शरीफ का। डीपली सैडन बाय द न्यूज ऑफ अ मैसिव अर्थक्वेक दैट स्ट्रक साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ तुर्की, आई सेंड माय प्रोफाउंड कंडोलेंसेस एंड मोस्ट सिंसियर सिंपथीज टू माय ब्रदर प्रेसिडेंट, टू माय ब्रदर प्रेसिडेंट एर्दोगान एंड ब्रदरली पीपल ऑफ तुर्की ऑन द लॉस ऑफ प्रेशियस लाइव्स एंड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तुर्की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुर्की को अब तुर्की कर दिया है, तुर्की, आई डोंट नो हाउ विद द टू डॉट्स, उनका नाम चेंज कर दिया मुल्क का, लेकिन ब्रदरली हर चीज दो बार तो इसने भाई बना लिया, ब्रदर प्रेसिडेंट। अच्छा, दूसरा ट्वीट देखिए शहबाज शरीफ का, जस्ट स्पोक टू हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट एर्दोगान टू एक्सप्रेस आवर प्रोफाउंड कंडोलेंसेस एंड प्रेयर्स ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल लॉसेस इन द अर्थक्वेक, आई टोल्ड प्रेसिडेंट दैट पाकिस्तान वुड डू एनीथिंग टू हेल्प दैट टर्किश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ड्यूरिंग दिस चैलेंज। अब देखो यार, खुद सोचो आप लोग ये क्या करते हैं यार, इतनी चापलूसी करते हैं, ब्रदर 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 ब्रदर, जो मुस्लिम मुल्क इनको दिख गया, या फिर चाइना, चाइना को पाकिस्तान ने बनाया ऑनररी मुस्लिम, वो मुसलमान है नहीं, उनको ऑनररी मुस्लिम बना दिया, ठीक है, खास तौर से जो अमीर मुल्क है, जो पाकिस्तान से अमीर, विच इज रफली द एंटायर वर्ल्ड, बट पाकिस्तान से जो अमीर मुसलमान मुल्क है, ब्रदर दिस ब्रदर दैट। अब यही चापलूसी बिल्लो रानी ने भी सीख ली, बिल्लो रानी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या बोलता है, स्पोक विथ माई ब्रदर मेलवुट कैवसगुलू, कैवसगुलू गोलू को मैं Melwood Cavusoglu in solidarity and offer condolences for the earthquake, offered assistance and support in any way we can. Yaar dekho na, baat ye hai ki it's good that Pakistan is offering support. Every country should offer support. Pakistan bhi kar raha hai, India bhi kar raha hai, sare country kar rahe hain. Lekin main sirf ye bolna cha raha tha ki jis level ki chaplusi ye log karte hain na Pakistan mein. Ye hamare musalman bhai hain, har jagah inke dimag mein sirf ek, abhi bhi Pakistani main bata raha hu, madad kar rahe hain kyunki unko lag raha hai ki baad mein Turkey se paisa le sakte hain. इन्होंने फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा, इन्होंने वहां से भी एम्बुलेंस मांगी थी, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। डायन भी होती है ना, तीन घर छोड़ के आती है डायन, तीन घर छोड़ के डायन आती है, पाकिस्तानी एक घर नहीं छोड़ते। मुझे कहना नहीं चाहिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई टर्की में, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मार्क माई वर्ड्स, आज की डेट आप नोट करना कि मेजर ने बोला था पाकिस्तान यहां पर भी अपॉर्चुनिटी देख रहा है, यहां पर भी मौके की तलाश में पाकिस्तान, कि हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, ये ब्रदर सिस्टर जो कर रहा है ना पाकिस्तान, इसका नाम नहीं पता होगा, ये जो बंदा था जिसको ये बिलावल ब्रदर बोल रहा है, इसने इसका नाम नहीं सुना होगा आज से 8 महीने पहले,
जिसको भी भाई बना रखा है इसने अपना सगा, ये सब मौका परस्त लोग हैं, ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ी खबर है भारत से कि INS विक्रांत के ऊपर जेट लैंडिंग शुरू हो गई है, और सबसे बड़ी बात लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है वो भी वहां पे लैंड करा, टेक ऑफ करा, और MiG-29K जो कि हमारे पास थी पहले से, MiG-29 बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत जबरदस्त एयरक्राफ्ट है, वो लैंड करा। इसमें ये कहा गया है कि नेवी ने एक स्टेटमेंट रखा है, हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया बाय इंडियन नेवी एज नेवल पायलट्स कैरी आउट लैंडिंग LCA नेवी ऑन बोर्ड द INS विक्रांत डेमोस्ट्रेट्स इंडियाज कैपेबिलिटी टू डिजाइन डेवलप कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट एन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विद एन इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट। देखिए ये जो विक्रांत है ये भी भारत में बना है, तेजस भी भारत में बना है, तो भारत का हवाई जहाज भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करा। और मुझे नेवी के बारे में ज़्यादा ऐसे नहीं पता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द आर्मी एंड आई वुड नो मोर अबाउट द आर्मी देन द नेवी एंड द एयरफोर्स, बट यार हैट्स ऑफ यार, हज़ार सलूट नेवल एविएटर्स को। आप समझ सकते हैं सुपरसोनिक स्पीड से अपने एयरक्राफ्ट को धीरे करना और एक मूविंग प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें लैंड कर रहे हैं वो भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक है, ऐसा नहीं कि एक जगह है वो रनवे नहीं है इन अ क्लासिकल सेंस, वो वहां पे खड़ा हुआ और उस पर चलते हुए प्लेटफॉर्म पे आके लैंड करना यार, जिस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए, इतना लंबा भी नहीं जो हमारे नेवल एविएटर्स करते हैं यार, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। ठीक है, तभी वो मूवी बनी थी ना इसकी टॉप गन, वो नेवल एविएटर्स के ऊपर बनी थी टॉप गन, इसीलिए टॉप गन कहते हैं। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान, आपका और मेरा सबसे प्यारा पाकिस्तान, अजीम व शान पाकिस्तान। ठीक है, अब आपको पता है जय शाह और नजम सेठी के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई, फिर भारत ने बोला कि हम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पर यार देखो, भारत ने गलत क्या बोला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भारत ने गलत क्या बोल दिया, कौन ऐसा पगला है जो पाकिस्तान जाना चाहेगा खुशी खुशी, पाकिस्तानी, मैंने क्या बताया था आपको कल, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, इनके आर्मी चीफ खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जिनका काम है पाकिस्तान की दिफा करना, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, वो इनके आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, तो जिनके पास इतनी सिक्योरिटी है, जिनके पास इतना पैसा है, करोड़ अरबपति हैं, सब कुछ फैसिलिटीज हैं, वो पाकिस्तान में रह के खुश नहीं। सो हाउ कैन यू से दैट यू नो कि बाकी सब लोग इस तरीके से करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ये देखिए, जावेद मियांदाद बीच में आ गए, भारत ने मना कर दिया, जावेद मियांदाद का बीच में आ गए और भारत को बोला गो टू हेल, कह रहा है कि इफ इंडिया डज नॉट वांट टू कम वी डोंट केयर, गो टू हेल। अच्छा, ये ना बयानबाजी देखेंगे जावेद मियांदाद, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इसने बोल दिया गो टू हेल। जावेद मियांदाद का समधी आपको पता है कौन है, दाऊद इब्राहिम, जावेद मियांदाद के बेटा और दाऊद इब्राहिम की बेटी, इनकी शादी है। तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है, इसका कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि ये बहुत बड़ा बैट्समैन था, जो कि था एक्चुअली एक जमाने में, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस वहां से नहीं आता, इसका कॉन्फिडेंस यहां से आता है कि दाऊद इब्राहिम इसका समधी है और ये बंदा उस चीज का पाकिस्तान में पूरा फायदा उठाता है, और ये तोतला भी है, ये तोतला भी है, जावेद मियांदाद को कभी बोलते देखिएगा, पूरा तोतला है, राइट। और मैं, जावेद मियांदाद ने इंडिया को बोला गो टू हेल, तो मैं जावेद मियांदाद की जबान में जावेद मियांदाद को कुछ समझाना चाहता हूं। जावेद भाई क्यों बुला मान ले हो, क्या हो गया, बुला लगा तो थोड़ी, ठीक है तो थोड़ी, और जावेद भाई क्यों परेशान, ये देखो ना तुम्हारे लिए लाया हूं, ये देखो ये किस लिए, ये सिर्फ प्याज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की GDP है। जावेद भाई दिल बुरा मत करो, इंडिया गो टू हेल, फलाना गो टू हेल, ये बोलने से क्या, प्याज खाओ यार, मैं भेजता हूँ तुम्हारे, पूरे पाकिस्तान की GDP एक कटोरे में, और जब प्याज खा लोगे बाकी कटोरा अपने पास रख लेना, भीख मांग में काम आएगा, यानी प्याज की इतनी वैल्यू है, इंडिया को गो टू हेल रखेंगे तो GDP भी उतनी कंजम। देखो जावेद भाई, दिस इज फॉर यू जावेद मियांदाद, प्याज ध्यान रखना इस प्याज का। अच्छा जी, पाकिस्तानी ड्रग मेकर्स ने मना कर दिया, बोला कि अब हम दवाई नहीं, ये ड्रग वो नहीं जो इमरान खान लेता है, ये ड्रग मेकर्स यानी कि ये पैरासिटामोल और ये सब जो दवाइयां बनाते हैं, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि साहब पैसे हैं नहीं हमारे पास, हम बना ही नहीं सकते, गल्ला बंद, दुकान बंद, शटर डाउन, ओवर, फिनिश्ड, बाय बाय, टाटा, खत्म, उन्होंने ढक्कन बंद कर दिया। पाकिस्तानियों का सर में दर्द होगा, तो
फिर दवाई नहीं है, पैर में दर्द होगा दवाई नहीं है। मैं छोटी छोटी चीज़ों की बात बता रहा हूँ, बड़ी दवाइयाँ तो बहुत पहले ख़त्म हो गई, इंसुलिन बहुत मुश्किल से मिलती है, पैरासीटामोल, पैनाडोल, ऐसी दवाइयाँ पाकिस्तान में राशनिंग होती थी इनकी। कैसे राशनिंग होती, भाई आप इतना ही ले सकते हैं, एक पत्ता ले लो। आप ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया में जाते हैं ना कि भाई जरा डिस्प्रिन देना, और डिस्प्रिन तो आजकल मिलती नहीं है, कौन सा क्या, पैरासीटामोल देना, तो बोला साहब कितनी चाहिए, 10 पत्ते लाओ, तो 10 पत्ते रख देना। उसकी भी इन्होंने राशनिंग कर दी, वो भी बनाना इन्होंने बंद कर दिया, पैसे हैं इनके पास। ये पाकिस्तान में हो गया है। दो और खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस पोस्ट पे अटैक हुआ, जिनको रिपल्स करा गया, यानी कि आतंकवादियों को पछाड़ दिया गया, उनको रिपल्स करा गया है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक, एक जगह टैंक या टांक जो भी है, वकार अहमद, इन्होंने बताया कि द कॉप्स हाउएवर अलर्ट एंड रिटेलिएटेड स्ट्रॉन्गली, अ नंबर ऑफ लोकल्स आल्सो केम आउट ऑफ देयर होम्स टू सपोर्ट द पुलिस, द अटैकर्स मैनेज्ड देयर एस्केप आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ फायर फॉर अराउंड 10 मिनट्स। अब देखिए बात यह है कि ये लोग ना अटैक करना शुरू कर दिए, सबसे बड़ी बात है दोस्तों हमें क्या समझना है कि दे हैव स्टार्टेड फ्रीक्वेंटली टारगेटिंग पाकिस्तानी। अच्छा आज तो उन्होंने उनको रिपल्स कर दिया, कल रात को फिर पहुंच जाएंगे ये लोग। अरे ऐसा थोड़ा है कि ये टेररिस्ट किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी शिफ्ट लगती है, नहीं समझ रहे, या उसको कहीं दुकान पर जाना है, गल्ले पर बैठना है, ना ये तो फुल टाइम टेररिस्ट हैं, दे आर नॉट पार्ट टाइम टेररिस्ट, टीटीपी के फुल टाइम टेररिस्ट हैं। आप इनको कल भगा दोगे फिर आ जाएंगे, ये तो मरने के लिए ही आए हैं ना, इनका फुल टाइम प्रोफेशन ही है टेररिज्म, तो फिर आएंगे ये और फिर आते चले जाएंगे अनटिल एंड अनलेस दे आर सक्सेसफुल एंड देन दे विल कम अगेन। सो दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ वायलेंस इन पाकिस्तान। ठीक है जी, एक पंजाब जो सूबा है पाकिस्तान में, उसका 400 बिलियन की एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी जो कि सेंटर ने ब्लॉक कर दी, यानी कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ ने ब्लॉक कर दी। और अंडर द ऑनगोइंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, द फोर प्रोविंसेस आर रिक्वायर्ड टू सरेंडर 800 बिलियन टू द फेडरल गवर्नमेंट एज कैश सरप्लस दिस ईयर टू कंटेन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी बैलेंस विद इन बजटेड टारगेट्स। ये सारा का सारा पैसा जो है ये वापस जाएगा, क्योंकि इनका फिस्कल डेफिसिट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है पाकिस्तान, खाने के लाले पड़ रखे हैं। और IMF इनको, मैं बता रहा हूं बिल्कुल, IMF ने इनको जिसको कहते हैं ना कि फट्टे पे लिटा दिया, पूरी कौम को फट्टे पे लिटा दिया IMF, क्योंकि बहुत अय्याशी करी, बहुत जिहाद करे, बहुत ये करा, बहुत हम इकबाल के शाहीन हैं और हम ऐसे उड़ते हैं और वैसे उड़ते हैं और यहाँ डाइव मारते हैं और यहाँ उछाल मारते हैं, उस मतलब सबसे पहले इथे आओ पुत्र, कम यार फिर बताया सब अपने पैसे जेब में खाली करो, पैसे दो जितने भी चोरी करे, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान ने विकिपीडिया पे बैन लिफ्ट करा है। चक्कर ये है कि उन्होंने बोला कि इस्लाम खतरे में है और इस्लाम के खिलाफ गंदी बातें हैं विकिपीडिया में, तो पाकिस्तान ने विकिपीडिया बैन कर दिया। फिर लोगों ने बोला कि जनाब हमारी पूरी कौम की नॉलेज ही विकिपीडिया से आती है, पढ़ाई लिखने का तो वो हमारे यहाँ कोई चलन है नहीं, अभी किताब विताब छपती नहीं पाकिस्तान में, सारी की सारी तो विकिपीडिया से हमारी व्हाट्सएप से नॉलेज है, विकिपीडिया से नॉलेज है, हम करेंगे क्या। तो उसने बोला चलो विकिपीडिया खोल लो। तो इस्लाम खतरे में सिर्फ 48 घंटे के लिए था पाकिस्तान में, समझ रहे मेरी बात, इस्लाम वॉज अंडर अटैक ओनली फॉर 48 आवर्स, आफ्टर दैट इस्लाम के ऊपर जो खतरा आया था वो हट गया, अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ। तो दोस्तों आज की ये खबर है पाकिस्तान से, और फिर से मैं जावेद मियादाद को ये कहने वाला हूँ, ये प्यार मैं दिखाता हूँ जावेद मियादाद को, कहता हूँ कि जावेद भाई गुलाम मत मानना, हम सब भाई भाई हैं, और ये प्यार खाओ और प्यार मोहब्बत की बातें करो, अमंती आजा, ठीक है जावेद अमंती आजा। तो दोस्तों पहला सवाल आज का है जियाउल खालिद, सब बिग फैन फ्रॉम बांग्लादेश, रिसेंटली बांग्लादेश अगेन एम्बैरस्ड पाकिस्तान, नथिंग न्यू देयर, हिना रबानी एंड बांग्लादेश फॉरेन ऑफिस FO लिखा है बट मे बी फॉरेन मिनिस्टर, अपन मेट इन श्रीलंका एंड BDFO आस्क फॉर एन अपॉलोजी फ्रॉम पाकिस्तान फॉर 1971। जियाउल खालिद साहब थैंक यू वेरी मच सवाल पूछने के लिए। देखिए पाकिस्तान गेटिंग एम्बैरस्ड इज नथिंग न्यू, पाकिस्तान डज नॉट रिक्वायर बांग्लादेश और इंडिया और चाइना और अमेरिका टू एम्बैरस पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान से बड़े एम्बैरस्ड हैं, और ये सच्ची बात है, उनकी हरकतें ऐसी हैं। बट 1971 देखिए मैं बता रहा हूँ, जो दिस वॉज अ जेनोसाइड ऑफ बंगालीज, जो बंगालीज वर किल्ड इन ईस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन सर्च लाइट, और जिनको नहीं पता है
मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंटरनेट पे जाके देखिएगा ऑपरेशन सर्च लाइट, तब आपको पता लगेगा कि पाकिस्तानी फौज ने वहाँ पे जो बंगाली मुस्लिम्स भी थे, वहाँ पे हिंदूज तो कम थे, बंगाली मुस्लिम्स थे, उनके साथ क्या करा है। मुझे तो बोलते हुए भी बहुत अजीब सा लगता है, बड़े मेरे जिसको कहते ना पेट में अजीब सा लगता है मुझे कि स्क्विशिंग इनसाइड द स्टमक। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने जो बंगाली वुमेन थी जो प्रेग्नेंट थी उनके पेट में बैनेट से मारा था अनबॉर्न चिल्ड्रन। दिस वाज द लेवल ऑफ बारबेरिटी ऑफ द पाकिस्तान, है ना। ये तो उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ करी थी। एंड ये जो ज़ियाउल खालिद बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। नॉट ओनली अपोलोजाइज, पाकिस्तान ओज रेपरेशंस, पाकिस्तान को इसका फाइन पड़ना चाहिए। वो कुछ भी करें, कराची बेचें इस्लामाबाद बेचें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट $100 billion दे हैव टू गिव बांग्लादेश। पाकिस्तान हैज़ टू मैनेज, कुछ भी बेचो यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़मीनें बेचो, अपनी घर बेचो, कमीज़ बेचो, बनियान बेचो, तुम्हें जो बेचना बेचो। तीसरी चीज़, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन का पाकिस्तान के ऊपर केस चलना चाहिए। और ये सबसे बड़ा प्रूफ है पाकिस्तान के जज की खुद की रिपोर्ट, मोहम्मदुल कमीशन रिपोर्ट, उसको एज प्रूफ देना चाहिए कि तुम्हारे जज ने रिपोर्ट निकाली है, ये कोई इंडिया की साजिश नहीं है या यहूदियों की साजिश नहीं है, तुमने खुद बंगालियों को मारा है। इन्होंने 30 लाख बंगालियों को मारा और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा, एंड दे हैव नॉट पेड द प्राइस फॉर इट। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, करना पड़ेगा, ठीक है। मुर्गन साहब हैं, ये कह रहे हैं कि अबाउट ग्रोइंग रेडिकलिज्म एंड सेपरेटिज्म इन साउथ इंडिया, नॉट जस्ट इन केरला बट तमिलनाडु एंड कर्नाटका, बिकॉज फॉर लॉन्ग दिस हैज बीन डिस्कस्ड इवन आफ्टर कोयम्बटूर ब्लास्ट, रिक्वेस्ट योर। इतना मुर्गन साहब नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। देखिए मुझे नहीं लगता कि सेपरेटिज्म है साउथ इंडिया, देखिए जो सब नेशनलिज्म होती है ना, सब नेशनलिज्म हर जगह होती है, दिस फीलिंग ऑफ प्राइड दैट वी आर डिफरेंट, वी आर दिस, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। If the Tamil people feel that, you know, they have a fantastic culture, it's all right because they do. I mean, isme there is no doubt. It's a very, very old culture. Tamil culture is very old. Aapka Kerala ka jo culture hai, Karnataka, ye hazaron saal purana culture. So obviously there will be a sense of pride in South India. Why not? Isme galat kya hai? Haan. Ye radicalization hai, main aapko bata raha hoon, ye blom blom blast hai aur केरला से जो कुछ लोग गए थे, कुछ लोग काफ़ी लोग गए थे इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर रहे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बार बार यही चीज़ कहता रहा, द नेक्स्ट सरप्राइज विल नॉट कम फ्रॉम कश्मीर, इट विल कम फ्रॉम केरला। आप मेरी बात, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ और आज मैं फिर कह रहा हूँ मुर्गन जी, ठीक है, जो अगला सरप्राइज आएगा वो कश्मीर से नहीं आएगा, कश्मीर इज प्रीटी मच सॉर्टेड आउट, अगला सरप्राइज आएगा केरला से। और जो रेडिकलाइजेशन की बात है ना, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, मैं ये मानता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि सब एक जैसे होने चाहिए भारत में, ये गलत है यार। पाकिस्तान इसीलिए तो बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान वन यूनिट प्लान, सारे के सारे पाकिस्तानी सब उर्दू बोलेंगे। अच्छा उर्दू बोलने वाला है नहीं कोई पाकिस्तान में, उर्दू तो यहाँ से तो महाजर गए थे वो बोलते थे उर्दू। जो पाकिस्तान में चार बड़े सूबे हैं या चार ही सूबे हैं पाकिस्तान में, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, सिंध में सिंधी बोलते हैं, बलोचिस्तान में बलोच बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोलते हैं, दरी बोलते हैं, तो उर्दू तो कोई नहीं बोलता। उर्दू तो यहाँ से जो 47 के बाद गए वो लोग बोलना शुरू करी उन्होंने उर्दू। सही बात। और पाकिस्तान ने क्या करा कि उर्दू को बोला कि सभी उर्दू बोलेंगे, इसीलिए तो पाकिस्तान में उर्दू का कत्ल हो रखा है। दैट इज वाई देर इज मर्डर ऑफ उर्दू इन पाकिस्तान, बिकॉज एक्चुअली किसी की मदर टंग थोड़ा ना उर्दू, वहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनकी मदर टंग है। आपको क्या लगता है ये जो शहबाज शरीफ जो उर्दू बोलता है, हम क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, ये जबरदस्ती है। मैं बता रहा हूँ उर्दू की माँ बहन, किसी ने कहा था कि जब पाकिस्तानी उर्दू बोलता है ना, कोई भी पाकिस्तानी जब उर्दू बोलता है तो लगता है झूठ बोल रहा है, उसकी मदर टंग है ही नहीं। ये जितने भी पाकिस्तानी टीवी एंकर हैं सब पंजाब के रहने, इनकी मदर टंग है ही नहीं। आप पंजाबी देखिए, इतनी मीठी बोलते हैं, इतनी मीठी पंजाबी बोलते हैं पाकिस्तानी, और जहाँ उर्दू बोलते हैं खुद की बेइज्जती करते हैं, दैट इज नॉट द लैंग्वेज। सो जिसकी जो लैंग्वेज है, वी शुड सल्यूट ऑल लैंग्वेजेस, वेदर इज तमिल, वेदर इज मराठी, वेदर इज बंगाली, एवरी लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि सभी लोग हिंदी बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको जो लैंग्वेज बोलनी है बोलो यार, वट एवर लैंग्वेज यू विश टू स्पीक यू स्पीक, एंड इट्स ओके, इट्स ओके, इंडिया रिस्पेक्ट्स एवरी लैंग्वेज। तो ये जो बात है ना सब नेशनलिज्म की, ये तो होती होती है, हम आप इसको रोक नहीं सकते। सेपरेटिज्म है नहीं और इसको हमें सेपरेटिज्म का नाम नहीं देना चाहिए। तमिल कल्चर इज अ डिस्टिंक्ट यूनिक कल्चर,
ठीक है, केरला का कल्चर है डिस्टिंक्ट, इवन महाराष्ट्र डिस्टिंक्ट यूनिक कल्चर, बंगाल का डिस्टिंक्ट, एवरी प्लेस इज अ डिस्टिंक्ट यूनिक कल्चर एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस इंडियन. तो किसी को एक खाके में बांधना कि नहीं तुम ऐसे ही दिखोगे, डाइवर्सिटी ही बोलोगे, तो वो गलत हो जाता है. बट जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात है, ये फैक्ट है, ये आपने बिल्कुल हिट द नेल ऑन द हेड. अच्छा, अनवी शाह, हाय सर, आई एम राइटिंग फ्रॉम फ्लोरिडा, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर वीडियोस, ऑलराइट, इट गिव्स मी डिफरेंट सेंस ऑफ मोटिवेशन. थैंक यू वेरी मच अनवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपको कभी थ्रेट कॉल आए हैं या रैंडम थ्रेट मैसेजेस? इफ यस, हाउ डू यू डील विद इट? अनवी जी रोज आते हैं, रोज आते हैं, पाकिस्तानी रोज गालियां देते हैं और रोज धमकी मिलती हैं, पेरेंट्स को मार देंगे, घर वालों को मार देंगे, आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. और जिस दिन वो पाकिस्तानी गाली नहीं देते या लानत नहीं भेजते या थ्रेट नहीं करते, मुझे बड़ा सुना सुना सा लगता है यार. मुझे लगता है यार, क्या ये बगल वाले भाई सो गए क्या आज? आई थ्राइव ऑन दिस, मुझे मज़ा आता है. तो मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ, और लानतें भेजो और गालियाँ दो और थ्रेट्स करो, मुझे मज़ा आता है. दिस इज़ व्हाट प्रॉम्प्ट्स मी, क्योंकि बेटा तुम्हारी क्लास 6 बजे शाम को इंडियन टाइम पे लगनी लगनी है, तुम्हारी क्लास लगनी है, तुम्हें जलील होना है, तो तुम्हारी किस्मत में है. तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतने आराम से ज़िंदगी तुम्हारी बसर होगी. तो अनवी जी ये स्टोरी है, हाउ डू आई डील विद इट, आई एंजॉय इट, मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि ये रोज लानत भेजें, गाली गलौज करें, मजा आता है. जब ये थ्रेट करते हैं, गाली देते हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं टीस है, कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं परेशानी है, और ये परेशानी अच्छी है और ये परेशानी होनी चाहिए. निर्मल सोनी जी, जय हिंद सर. जय हिंद निर्मल जी, जय हिंद आपको. आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर चैनल एंड माई जियो पॉलिटिकल नॉलेज इज इंक्रीज्ड थैंक्स टू यू. निर्मल सोनी जी, ऐसा भी नहीं है, हम तो सिर्फ अपने व्यूज देते हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच. पाकिस्तानी लीडर्स आर टू फेस्ड. अच्छा, निर्मल सोनी जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, बड़ा बड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल निर्मल सोनी जी का. ये कहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया के सामने तो कुछ और करते हैं, बड़े लिबरल एक्ट करते हैं और अपनी रैलियों में एंटी इंडिया हेटरेड करते हैं, तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन इनको कॉल आउट क्यों नहीं करती, इनको एक्सपोज क्यों नहीं करती पाकिस्तानी की? यार एक बात बताओ, तुम वहां पे तो प्यार मोहब्बत की बातें करते हो जब अंग्रेजों से बात करते हो, यहाँ पे तुम नफरत फैलाते हो हमारे सामने. अच्छा निर्मल सोनी जी, पता है चक्कर क्या है? इनको चाहिए गोरों से पैसे, और मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों से तेज कोई नहीं है इस मामले में. पैसे कैसे लेने हैं, हम तो इनसे 100 साल पीछे हैं इस मामले में, हम तो लेते ही नहीं कर किसी से. बट जिस तरीके से पाकिस्तानी पैसे ऐंठते हैं, ओ भाई साहब, दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन यू विल नेवर गेट एनीवेयर. और दे हैव, उन्होंने पीएचडी कर रखे हैं, उन्होंने दे हैव यू नो They made it to a science. अंग्रेज को क्या सुनना है? अंग्रेज को सुननी है ह्यूमन राइट्स, अंग्रेज को सुनना है डेमोक्रेसी, अंग्रेज को सुननी है जेंडर इक्वालिटी. दैट इज म्यूजिक फॉर द वाइट मैन ईयर्स, इज म्यूजिक फॉर आवर ईयर्स ऑल्सो बाय द वे, बट मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बोलूँ, उनको पता है. तो उनके सामने ये चूरन बेचते हैं, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, राइट, एंड गे राइट्स, ये सब बोल देंगे. They don't believe in any democracy. Why democracy needs to be strengthened? ये पाकिस्तानी उनसे पैसे लेने के लिए और अपनी पब्लिक को लूटने के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, इंडिया को मार देंगे इंडिया, क्योंकि उनको पब्लिक ये तो दुकान है ना, ये गले पे बैठे लोग हैं पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी सरकार है गले पे बैठी है. ग्राहक जो आएगा, ग्राहक को वो पकड़ा देंगे, जिसको तौलिया देना उसको तौलिया दे देंगे, जिसको 3-piece suit चाहिए उसको 3-piece suit पकड़ा देंगे. इट इज़ ऑल देयर मेथड ऑफ मेकिंग मनी. देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ना ये जिहाद में बिलीव करते हैं, ना इनका भरोसा जिहाद पे है, ना इनका भरोसा डेमोक्रेसी पे है. इनका भरोसा सिर्फ अपने परिवार, अपने खानदान, अपनी दौलत, अपने असासे, इन सब चीज़ों पे. इनका जो अकीदा है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनका जो अकीदा है, ये जहाँ सर झुकाते हैं, ये जहाँ सजदा करते हैं, ये डॉलर के सामने करते हैं. इनको थोड़ा ना जिहाद व्याद से मतलब है, इस्लाम से मतलब है. They don't care about Islam, they don't care about anything, they don't care about foreign, इनको कुछ नहीं, इनको बस ये लेने के लिए जिसको जो कहानी सुनानी है, जिसको जो चूरन खिलाना है, वो चूरन खिलाएंगे. That's it. तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होता है. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जावेद भाई आप भी सब्सक्राइब करिए. आपको प्याज की कसम, जावेद भाई का लाइक दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा.
जय हिंद, वंदे मातरम। लोगों के सोचने से पहले ये बात मदद कर जाती है, बड़ी बात है यार, बड़ी लेवल की बात है। चाहे हजार हम हर वीडियो में बात करें, हजार इख्तलाफात हों, लेकिन ये कि भाई इंसानियत के नाते मदद पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, तुमने पहले भी एक बार बात की थी कल वाली वीडियो में आई थिंक, कि इतना जो लोग जियो पॉलिटिकल में या न्यूज में इतना एक्टिव नहीं है, जानते नहीं है इतना, जो पढ़ते नहीं है, उनको ये बात जब पता चली होगी ना अर्थक्वेक वहां पे आया, उससे पहले इंडिया वहां पहुंच गया होगा। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।